सीसामऊ की सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश का हो रहा है, जहां पर सीसामऊ की सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर अगर आप लड़ाई देखिए उत्तर प्रदेश का, तो यहां पर खैर सीट से बीजेपी का, अलीगढ़ की सीट है खैर की सीट से आगे होना एक जबरदस्त इशारा है। वहीं सीसामऊ में बिल्कुल नसीम सोलंकी को अगर पीछे की वजह से वो सीट खाली हुई और आगे चल रही है, वहां पर उनकी पत्नी ब्राह्मण उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी, और वहां पर अगर वो नसीम सोलंकी को पीछे छोड़ रहे हैं और सीसामऊ में 45 तब तो हंगामा होगा कि री इलेक्शन यहां पर किया जाए, क्योंकि वो तो उससे पहले ही कहा जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हमको विश्वास ही नहीं है किस तरीके से पुलिस यहां पर कौन करे नहीं करे, बाद में ये इलेक्शन कमीशन का ही प्रेरोगेटिव होता है। पहले भी शिकायतें आई हैं और अधिकारियों पर जिनके खिलाफ ऐसी स्थिति पाई गई, साथ कुल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब इंडिया गठबंधन आगे हो गया। हमने कहा था ना टिके रहना पड़ता है, मामला पलट चुका है झारखंड में और 39 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन आगे है एनडीए को, लेकिन बढ़त 9 सीटों की, जिसके साथ वो 36 पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रहे हैं। लेकिन क्लियर मैंडेट अभी तक के रुझानों के मुताबिक सीधा महायुति को मिलता हुआ महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, जहां पर नागपुर की अगर आप देखिए तो एक सीट छोड़कर नागपुर की सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। झारखंड का मुकाबला जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बेहद रोचक बना हुआ है। 40 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन आगे हो चुका है, एनडीए 35 पर, यानी जो 5 का फासला एक तरफ से नजर आ रहा था वो अब पलट गया है। 76 सीटों पर अभी तक रुझान सामने आए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और एनडीए 35 सीटों पर। वहां बेहद दिलचस्प अलग अलग सीटों के भी आंकड़े हैं, जहां पर सोरेन परिवार की दोनों बहुएं अपने अपनी सीटों से आगे चल रही हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि अर्जुन मुंडा की जो पत्नी पीछे चल रही थी उनका आंकड़ा क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति को बहुमत मिल चुका है, 156 सीटों पर महायुति इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है। 258 का आंकड़ा यह है, जिसमें से 156 पर, और उसमें बीजेपी का अकेले दम पर जो आंकड़ा है वो 91 का है। लेकिन ये रुझान है और बहुत करीबी फासले से इस समय जो बढ़त है दोनों तरफ की, दोनों गठबंधनों की, वो बनी हुई है और इसीलिए बहुत तेजी से आप दोनों तरफ से आंकड़े बदलते भी दिख रहे हैं। लेकिन एमवीए जो 100 छूने की बहुत कोशिश कर रहा है 98 सीटों पर इस समय आगे, और 197 पर महायुति। देखिए 145 सीट चाहिए अगर आपको बहुमत हासिल करना है महाराष्ट्र में, लेकिन 157 क्लियर मैंडेट है। जल्दी से अब जितने मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, दो दो लाइन में सबसे कमेंट लेते हैं। शशि शेखर जी, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए झारखंड में मामला फंसा हुआ है, शुरुआती रुझान में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन यहां पर साफ दिख रहा है बीजेपी इमर्जिंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे थे, और इसी के साथ मतलब बहुमत के आंकड़े से अब तो 12 सीट पार है भाई महायुति। देखिए दो बातें बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये आंकड़े बता रहे हैं और अगर ये कायम रहते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है, और यदि महाराष्ट्र में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो सरकार बनाने के लिए उसको न्योता मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड में पहले भी एक बेचारा फैक्टर चल रहा था, एक सहानुभूति चल रही थी उनके साथ, हेमंत सोरेन के साथ, तो वहां पे जो अभी तक के आंकड़े हैं उनके हिसाब से चुनाव फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि फैसला कुछ चीजें दो घंटे में, चुनाव आयोग की तरफ से नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि रुझानों में भी महायुति को बहुत बड़ी बढ़त दिखाई जा रही है। 99 सीटों पर 151 सीटों का कुल रुझान चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 99 सीटों पर फिलहाल महायुति आगे चल रही है, तो 99 out of 151, ये साफ इशारा करता हुआ चुनाव आयोग के अनुसार भी महायुति को जो बढ़त है, बाकी जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं और उसमें भी बीजेपी आप देखिए तो 39 सीटों पर है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रिपोर्टर्स और हमारी जो ग्राउंड टीम है, तमाम रिसर्च विंग है, वो सबके एनालिसिस पर हम आपको बढ़त बता रहे हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से जो हर राउंड की काउंटिंग के बाद नंबर्स डाले जाते हैं, उसमें भी नंबर साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी आ गया। और वायनाड से तो प्रियंका वाड्रा एक तरफा उनकी जो रथ है उनका दौड़ रहा है, 53,000 से ज्यादा वोटों से वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन की गुंजाइश रह नहीं गई है। लेकिन आशुतोष, जिस तरह से महाराष्ट्र में आंकड़े आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे केवल 495 वोट से इस समय लीड कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अभी शुरुआती दौर है, लेकिन एक एक वोट की लड़ाई है। देखिए अभी 9.5 से ज्यादा हो गया है, अगर लगातार महायुति इतने लंबे गैप से अगर गाड़ी से आगे है तो ये मानना चाहिए कि महायुति को एज है। अब ये आंकड़ा अगर आधे घंटे के अंदर अगर नहीं बदलता है, 10:15 अगर नहीं बदलता है,
तो फिर आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है महायुति के पक्ष में है, लेकिन झारखंड के अंदर अभी भी बराबर की टक्कर मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो कभी 37-38 इधर होते हैं, कभी 40 होते हैं, कभी 36 होते हैं, तो वहां बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो धीरे धीरे सेटल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महायुति को बढ़त है और हो सकता है यही अंत में नतीजा है। जफर इस्लाम जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ एक बात, मेरा समय अब खत्म होगा आपके चैनल पे, लेकिन मैं एक बात कहते जा रहा हूँ, शायद फिर जब दोबारा वापस आऊंगा तो उस बात में आप सच्चाई पाएंगे कि हमारे तीन महायुति की बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, और तीनों जो है इस तरह से लड़ रही है कि सैकड़ा जो है सेंचुरी बीजेपी बनाएगी, हाफ सेंचुरी जो है शिवसेना बनाएगी और क्वार्टर सेंचुरी जो है वो एनसीपी बनाएगी, और सबका मिला के हम डबल सेंचुरी बनाएंगे, ये आंकड़े की तरफ हम जा रहे हैं, जो शुरू से कह रहे हैं, और रुझान भी इस बात को बता रहा है कि हम उसी दिशा में जा रहे हैं। अभी अतुल लौंडे पाटिल साहब कहेंगे कि बहुत शुरुआती रुझान है, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन अब ट्रेंड सेट हो गया है, और ट्रेंड सेट हो गया है तो ये पूरे दिन में इसी तरह से ट्रेंड रहेगा और हम प्रचंड बहुमत लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। संजय जी आपको क्या दिख रहा है नंबर्स में फिलहाल? नंबर्स में तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, महायुति ने डिसिसिव लीड लिया हुआ है। हम जानते हैं कि हम बार बार हरियाणा का जिक्र करते हैं, बिहार का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त हरियाणा या बिहार, कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड में तो कांटे का मुकाबला चल रहा है, महाराष्ट्र में रिपीट होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 151 सीटों के रुझान फिलहाल दिए हैं, जिसमें से 101 सीटों पर महायुति की बढ़त बनी हुई है, संगीत रागी जी, और 50 पर बीजेपी है। देखिए एक जो आशुतोष कह रहे थे कि चूंकि लार्जेस्ट पार्टी इसलिए बनेगी क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, मान लेते हैं जो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे उसका स्ट्राइक रेट 20% हो, तब महत्वपूर्ण बात है कि महायुति गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, और जितने भी आप देख रहे हैं चाहे उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो वे सारे अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो सिंधे गुट हो, सिंधे गुट कांग्रेस 13 है। मैं यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ पर शरद पवार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, शिवसेना जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी उससे सिंधे अच्छा कर रही है, 30 है कांग्रेस के, 36 है शरद पवार के, 29 है शिवसेना के, वो तीनों बराबरी में चल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन कुंदरकी की सीट उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव के पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं, जहां पर रामवीर ठाकुर 3,394 वोट उन्हें मिले हैं, और समाजवादी पार्टी के अगर आप देखें कैंडिडेट हाजी रिजवान, जो इन चार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, उनमें से एक सीट ये भी है कुंदरकी की सीट पर, उन्हें सिर्फ 383 वोट मिले हैं, 3,777 से। देखिए अभी शुरुआती मार्जिन बहुत कम रहेंगे और इसीलिए उसी पर हम लोग चर्चा करें।